अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यू आर वाचिंग RMI 45। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। पंजाब हुकूमत ने 1,00,000 नौकरियों का ऐलान कर दिया। तर्जमान पंजाब हुकूमत हिस्सान खबर ने कहा है कि सूबे में 1,00,000 सरकारी असामियों पर भर्ती की मंजूरी दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान पंजाब हुकूमत हिस्सान खबर का कहना था कि ये भर्तियाँ मेरिट की बुनियाद पर होंगी। भर्तियों का मेरिट तालीम और तजर्बा है। तर्जमान पंजाब हुकूमत ने बताया कि ये भर्तियाँ मरहला वार होंगी, जहाँ पहले मरहले में 16,000 भर्तियाँ की जाएंगी। महकमा तलीम, महकमा सेहत में तरजीही बुनियादों पर भर्तियाँ की जाएंगी। इसान खबर ने कहा है कि अपोजिशन अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देखना चाहती है। हुकूमत का काम यह नहीं कि अपोजिशन की आंखें खोलें। अवाम जानती है कि वज़ीर आला अवामी खिदमत में मसरूफ़ हैं। उन्होंने IG पुलिस के मामले पर बात करते हुए कहा कि IG पुलिस के तबादले की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पेपर चेक करने वाले इम्तहानी अमले के लिए खुशखबरी। तालीमी बोर्ड्स ने इम्तहानी अमले के मुआवजों में 80% तक इजाफा कर दिया। मैट्रिक पेपर चेक करने का मुआवजा 35 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सुपरिटेंडेंट का सिंगल शिफ्ट का मुआवजा 900 से बढ़ाकर 1500 रुपये, डिप्टी सुपरिटेंडेंट का मुआवजा 700 से बढ़ाकर 1000 हो गया। रेजिडेंट इंस्पेक्टर का मुआवजा 500 से बढ़ाकर 800, डिस्ट्रीब्यूटिंग इंस्पेक्टर का मुआवजा 700 से बढ़ाकर 900, मोबाइल इंस्पेक्टर का मुआवजा 600 से बढ़ाकर 900 रुपये हो गया। इसी तरह विजिलेंस इंस्पेक्टर का मुआवजा 1250 से बढ़ाकर 1400, वाटरमैन, स्वीपर और दर्जा चहरम का एक दिन का मुआवजा 300 रुपये कर दिया गया है। नए मुआवजे का इतलाक आइंदा तलीमी बोर्ड के तहत होने वाले इम्तहानात में होगा। सुपरवाइजर मार्किंग मरकज का मुआवजा 700 से बढ़ाकर 1000 रुपये हो गया है। पेपर सेटर का मुआवजा 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 कर दिया गया। चौकीदार को 200 रुपये इजाफे के बाद 500 रुपये मुआवजा मिलेगा। इंटर पेपर चेक करने का मुआवजा 40 रुपये से 60 रुपये मिलेगा।